वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम सीए का सब्जेक्ट CAF 5 न्यू स्कीम के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 की ओरिएंटेशन डिस्कस कर रहे हैं, स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट को फोकस करते हुए। तो इसके अंदर हम सबसे पहले आपके साथ सिलेबस और उसका प्रीवियस स्कीम के साथ कंपैरिजन डिस्कस करेंगे, फिर किस टॉपिक सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, ग्रेड टेस्टिंग लेवल और एग्जाम पैटर्न पर बात करेंगे, एबीसी कैंपस की वीडियोज आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसके साथ पढ़ सकते हैं उस पर बात करेंगे, बुक्स, नोट्स, क्यूरीज और टेस्टिंग, आप इनके बारे में जो जनरली आपकी क्यूरीज हो सकती हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में एज सच ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है, जो टॉपिक्स प्रीवियस FR2 का हिस्सा थे और अब भी वो FR2 का हिस्सा हैं। तो 12 टॉपिक्स हैं ऐसे, जैसे IS-38 इंटेंजिबल एसेट, IS-10, 37, IS-41 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS-16 लीजेज, IS-21 जो कि द इफेक्ट ऑफ फॉरन एक्सचेंज डिफरेंसेस पे है, IS-12 इनकम टैक्सेस, IFRS-8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें IS-1 की इम्प्लीकेशन भी होती हैं और कंपनीज एक्ट का फोर्थ फिफ्थ शेड्यूल भी अप्लाई करते हैं, कंसोलिडेशन, सब्सिडरी और एसोसिएट दोनों मिलाकर एक बड़ा टॉपिक है, एथिकल इशूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये 12 टॉपिक्स तो प्रीवियसली भी थे और अब भी हैं। प्रीवियसली एक टॉपिक होता था IS-8 का, वो टॉपिक अब एक्सक्लूड हो गया है और अब वो FAR-1 में चला गया। इसी तरीके से एक टॉपिक जो है वो FAR-1 से यहाँ शिफ्ट हो गया है और वो है IFRS-15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। तो ओवरऑल इम्पैक्ट ये है कि आप ये कह सकते हैं कि स्लाइटली जो सिलेबस है वो बढ़ गया है, क्योंकि IS-8 टेस्टिंग लेवल 1 का टॉपिक था और IFRS-15 जो है वो टेस्टिंग लेवल 2 का टॉपिक है। तो एक लेवल 1 का टॉपिक एक्सक्लूड हुआ है, लेवल 2 का टॉपिक इंक्लूड हुआ है, तो स्लाइटली जो सिलेबस है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन मेजर चेंज नहीं है। टॉपिक के सीक्वेंस की बात करें तो आपको सबसे पहले IS-38 पढ़ना चाहिए, फिर IS-10, IS-37, IS-41, IFRS-15, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, IFRS-16, IS-21, IS-12, IFRS-8, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर कंसोलिडेशन और एंड में एथिकल इशूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हम जो आपके साथ टॉपिक वाइज वीडियोस शेयर कर रहे होंगे वो इसी सीक्वेंस के अंदर शेयर की जा रही होंगी और इसी तरीके से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो शुरू में वीडियोस हैं, शुरू में दो तीन चार टॉपिक्स हैं ये आपको मिल रहे होंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और इसी तरह जो आखिरी दो टॉपिक्स हैं ये आपको मिल रहे होंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी। ग्रिड की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक जो ग्रिड है सिलेबस का रेफरेंस, इसकी वेटेज 25 to 35 मार्क्स की है। और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बेसिकली मुराद है टॉपिक नंबर 11 and 12 जो हमने ब्लैक कलर में मेंशन किए। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो टॉपिक नंबर 1, 4, 6 and 7 हैं, तो ये हमने ग्रीन में मेंशन किए। फिर है एथिक्स एंड अदर एरियाज ऑफ नॉन करंट एसेट, तो बाकी जितने भी टॉपिक बच गए वो हमारे पास ब्लू में मेंशन। तो इन शॉर्ट 2 टॉपिक्स फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, 4 टॉपिक्स जो है नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं और 7 टॉपिक्स जो हैं लास्ट कैटेगरी। तो फर्स्ट 2 टॉपिक्स जो हैं उनकी काफ़ी वेटेज है 25 to 35 मार्क्स की, नॉन करंट एसेट्स पर भी 25 to 35 मार्क्स है, और फिर जो 7 टॉपिक्स हैं ऑब्वियसली क्योंकि टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं तो वो 35 to 45 मार्क्स की रेंज के अंदर एग्जामिन होंगे। इसमें जो रूल्स हैं वो ये हैं कि टेस्टिंग लेवल 1 अर्लियर स्टेज पर जो टॉपिक हो चुके होते हैं और जो टॉपिक फर्स्ट टाइम सिलेबस का हिस्सा बनेगा वो 8 मार्क्स पर टॉपिक आएगा और मैक्सिमम 35 मार्क्स का पेपर उस पर सेट होगा। टेस्टिंग लेवल 2 के जो टॉपिक्स हैं उन पर 20 मार्क्स पर टॉपिक तक टेस्ट हो सकता है और 65 or more मार्क्स का पेपर उन पर सेट होता है। तो प्रिसाइजली न्यू स्कीम के अभी जो कह लें कि पेपर पैटर्न अभी ICAP ने इशू नहीं किए एट द टाइम ऑफ दिस वीडियो तक, तो वो जब शेयर होंगे तो अकॉर्डिंगली हम आपके साथ उस पर भी गाइडेंस शेयर कर लेंगे। अब ABC कैंपस की वीडियोस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम एक अपने चैनल पर जो टैब्स होती हैं, जैसे सबसे पहले चैनल, फिर वीडियो, फिर प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट एरिया के अंदर एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी CAF 5 FAR 2 Spring 2022। तो उस प्लेलिस्ट को आपने बेसिकली देखना है, उसमें सारी टॉपिक्स की डिटेल होगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हम शेयर कर रहे हैं। तो हम हर कुछ दिनों के बाद आपके साथ एक वीडियो शेयर किया करेंगे एक टॉपिक पर, जैसे एक वीडियो शेयर होगी IS-38 पर, फिर एक वीडियो शेयर होगी IS-10 पर, फिर एक वीडियो शेयर होगी IS-37 पर। तो
तो ये कुछ कुछ इंटरवल के बाद, जैसे छोटे टॉपिक के कुछ दिनों बाद ही इशू हो जाएगा और बड़े टॉपिक के थोड़े से ज़्यादा दिनों के बाद, डिपेंडिंग अपॉन कि उस टॉपिक को नॉर्मली कवर करने में कितना टाइम लगता है। हर टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट यूनिट्स, फोकस पॉइंट्स और विजन गाइडेंस की बात कर रहे होंगे। यूनिट से मुराद ये है कि एक यूनिट हमने वो बनाया हुआ है कंपोजिट के, ये क्वेश्चन और लेक्चर मिलाकर, जो आपको ऑन एवरेज एक दिन पे करना चाहिए। फास्ट ट्रैक में कर रहे हो तो एक दिन में दो यूनिट भी कर सकते हैं। फिर फोकस पॉइंट के, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा कॉन्सेप्चुअल है, कौन सा प्रैक्टिस करें, कौन सा जस्ट एक्स्ट्रा है, तो उस पर बात होगी। फिर रिवीजन गाइडेंस भी, कि किस चीज़ की प्रॉपर रिवीजन करनी है, किसको क्विक रिवीजन कर लें और किसकी रिवीजन ना भी करें तो काम चल सकता है, ये आपको हर टॉपिक के अंदर बताया जाएगा। फिर जो हर टॉपिक वीडियो आपके साथ शेयर होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे जो डिटेल्स होती हैं, उसमें तमाम रेलिवेंट वीडियोस के लिंक्स सीक्वेंस में गिवन होंगे, जहाँ से आप क्लिक करके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। हमारी जो वीडियोस हैं वो तमाम रेलिवेंट पास्ट एग्जाम्स को कवर करेंगी आटम 2021 तक। तो तमाम जो पेपर्स हैं, जो भी लेटेस्ट हुए हैं, उन तमाम का आपको जो है वीडियो उनकी मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट डिस्कशन होगी कि उसका सोल्यूशन कैसे आपने डेवलप करना है। इसके बाद ये कि बुक आप कौन सी यूज़ करें, तो आप लेटेस्ट स्टडी टेक्स्ट यूज़ करेंगे आई कैप का, और साथ के साथ जो है रेगुलरली आप आई कैप वेबसाइट चेक करते रहा करें कि उस पेपर की जिसको आप पढ़ रहे हैं उनकी एग्ज़ाम स्पेसिफिक गाइडेंस में कोई मज़ीद चेंज तो नहीं आया, या उनकी जो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बाज़ अवकात करेक्शन आइडेंटिफाई की जाती हैं तो वो क्या है, ताकि आप अपने स्टडी टेक्स्ट को अपडेट कर लें। इसके अलावा IFRS भी आप जो इशू किए हैं ISB ने और ICAP उनको पब्लिश करता है, लेटेस्ट उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ले जाना अलाउड है। इसके ऊपर हम एंड में जाकर एक वीडियो शेयर करेंगे कि इनको आपने कैसे एग्ज़ाम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पसंद करते हैं इनको लेकर जाना और कुछ स्टूडेंट नहीं करते। इसके अलावा हमारे नोट्स की जो PDF है वो हर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके जो रेलिवेंट नोट्स हैं उनकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो क्यूरीज की सपोर्ट है वो लिमिटेड अवेलेबल होगी, क्योंकि टाइम की अवेलेबिलिटी ज़रा जो है कम होती है, तो जितना टाइम अवेलेबल हो सकेगा उस हिसाब से हम आपकी क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करेंगे। तमाम क्यूरीज हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे, तो आप अगर किसी और जगह से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि इसकी सपोर्ट में हमारी वीडियोज़ यूज़ करें, और अदरवाइज जो है मुकम्मल सपोर्ट जो है वो हम आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम टेस्टिंग रेकमेंड करते हैं कि लाजमी आपको टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना चाहिए और प्रॉपर टेस्ट देने चाहिए, उसका फीडबैक लेना चाहिए, उसको में अपने एरर्स आइडेंटिफाई करके उस पर इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन हम ऐसी कोई टेस्टिंग सर्विसेज अभी ऑफर नहीं कर रहे। आपको कोई भी जो रिलायबल इंस्टीट्यूट या अदर सर्विस जहाँ से क्वालिटी टेस्ट मिल सकते हो उसको लाजमी यूटिलाइज करें। दैट्स ऑल फॉर टूडे, हैव अ गुड डे।